एक 400 रुपए का सैलड 52 वीकेंड्स या 52 सैटरडेज पे लगभग हेलो एंड नमस्ते पेचेक प्रोज, मैं हूं मनीष आहुजा और ये है पेचेक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो आपके साथ बात करता है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं हर 4th, 14th और 24th तारीख को नए वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपके साथ बात करता हूं कि कैसे आप अपने मेहनत से कमाए हुए पेचेक को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने पैसों को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं इस चैनल पे बात करता हूँ कि कैसे आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट से अपना पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऐसी 5 हैबिट्स के बारे में जिससे आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपसे थोड़ा दूर चला जाता है, और ये ऐसी हैबिट्स है जिसका आपको या तो ध्यान नहीं रहता है या तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते हो और ये सारे के सारे एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एड अप हो जाते हैं। सबसे पहला ऐसा खर्चा जो आप कर रहे हो जिसका इफेक्ट आपके फाइनेंशियल फ्रीडम पे ज़रूर पड़ रहा है वो ये है कि आप कितनी बार रेस्टोरेंट्स में जाकर बाहर खाना खाते हो। हमारी जनरेशन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बाहर खाना खाती है। आई एम श्योर काफ़ी लोग तो ये पॉइंट सुनकर ही मुस्कुराते होंगे क्योंकि उनको पता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा बाहर खाना खा रहे हैं। आज अगर हमें अपने दोस्तों से मिलना है तो हम एक प्लान बना लेते हैं, हमारे कलीग्स के साथ चिल करना है तो आफ्टर ऑफिस हम एक बाहर खाना खाने का प्लान बना लेते हैं, हमें अपने एक्स कलीग्स को मिलना है तो भी एक नया प्लान बन जाता है, एक्स एक्स कलीग्स को मिलना है एक और प्लान बन जाता है, और ऐसे ही देखते हम साल में पता नहीं कितनी बार बाहर खाना खा लेते हैं। अगर आप हर महीने का एक या दो बार का खाना बाहर ना खाएं और घर पे खाएं तो एक तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशियस मील मिलेगा और ये सारा पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़रूर बचेगा। दूसरा खर्चा जो आज की तारीख में हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं वो है ट्रैवल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रैवल मत कीजिए, ज़रूर ट्रैवल कीजिए, ट्रैवल से आपको नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आप नए लोगों से मिलते हैं, नए कल्चर्स का आपको एक्सपोजर मिलता है। लेकिन मुझे ऐसे भी काफ़ी लोग पता हैं जो हर एक्सटेंडेड या लॉन्ग वीकेंड पे एक नया प्लान बनाते हैं, साल चालू होते ही उनको पूरे साल के एक्सटेंडेड वीकेंड्स की पूरी लिस्ट मिल जाती है उनके पास। मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रैवल मत कीजिए, ज़रूर ट्रैवल कीजिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि थोड़ा माइंडफुल होकर और थोड़ा अपने खर्चों के ऊपर सोचकर ट्रैवल कीजिए। तीसरा खर्चा जो हम डेफिनेटली जिसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं वो है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। आज की तारीख में हमारे पास हर चीज़ के लिए सब्सक्रिप्शन सर्विस है। मैं आपसे ये भी शर्त लगा सकता हूँ कि अगर मैं आपको बोल दूँ कि सारी की सारी सर्विसेज जिसमें आपने सब्सक्राइब किया हुआ है अगर आप मुझे उसका डिटेल्स दीजिए तो आप शायद सारी सर्विसेज को ना गिन पाएं। वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, फूड डिलीवरी सर्विसेज, ई कॉमर्स फास्ट डिलीवरी सर्विसेज, सर्विसेज का जैसे अंत ही नहीं है। हर चीज़ के लिए आज की तारीख में एक सर्विस है, और काफ़ी बार तो मैं नई सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के बारे में सुनकर भौचक्का रह जाता हूँ। चौथी आदत जो हमें हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत दूर ले जा रही है वो ये है कि हमारे जितने भी फेवरेट ब्रांड्स हैं उनमें जब भी साल में सेल लगती है तो हमें एक SMS नोटिफिकेशन आता है, एक ईमेल नोटिफिकेशन आता है, एक सोशल मीडिया नोटिफिकेशन आता है, एक उन्हीं के ऐप्स के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है। वो इतनी बार आपको नोटिफिकेशंस के साथ बम्बार्ड करते हैं जब तक आप उस स्टोर में चले ना जाएं और शॉपिंग ना कर लें। ये आदत पूरे साल में अगर आप 4 या 5 या 6 या 8 बार भी करते हैं तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल फ्रीडम पे, आपके एक्सपेंसेस पे, आपके बजट पे डेफिनेटली पड़ता है। कितने लोग आई एम श्योर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये चीज़ बहुत बार की है, ये बहुत नॉर्मल है, सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए एंड आई एम श्योर आप अपने काफ़ी पैसे बचा देंगे। 5वीं आदत जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा ये मैंने ही अपने फ्रेंड्स को देखकर ऑब्जर्व किया है और मुझे लगा कि मुझे ये मेंशन करना चाहिए। आज की तारीख में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो हफ्ते में 3 से 4 बार अपना कप ऑफ कैपेचिनो कॉफ़ी के ऊपर पैसे खर्च कर देते हैं और उन्हें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है। मेरी एक फ्रेंड है जो हर सैटरडे को सैलड खाना पसंद करती है। सैलड्स खाना अच्छी बात है लेकिन एक 400 रुपए का सैलड 52 वीकेंड्स या 52 सैटरडेज पे
लगभग 21,000 रुपए का पड़ जाता है। और जो मेरी दूसरी दोस्त है जिससे सांग्रिया ब्रंचेस की आदत है, उसके बारे में मैं जितना कम बात करूं उतना ज्यादा अच्छा है। तो बस यही दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी आदतों के बारे में थोड़े से माइंडफुल रहें, ताकि उनको समझ में आ सके कि उनके सारी आदतें कैसे एडअप होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और अपने सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा इस कॉन्टेंट को देख सकें और अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है इसे ज्यादा अच्छे से समझ सकें और सीख सकें। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचकर अपने खर्चों के ऊपर भी ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कट्सिंग।